बीते दिनों एक जनसभा को संबोधित करते हुए सवर्ण समाज को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान देने वाले भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया अब विवादों में घिर गए हैं। मामले को तूल पकड़ता देख बरैया अब अपनी सफाई पेश करने में जुट गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है, अगर हम लोग कमजोर पड़ गए वो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे और हम लोग मजबूत बन गए तो ये कह जरूर रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ देंगे, हमें नहीं खदेड़ देंगे अगर हम लोग मजबूती से आगे तो ये मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे क्योंकि मुसलमान हमारा भाई है। डीएनए टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे, खदेड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। समझे नहीं बात को? चर्चिल का भाषण है, मैंने निकाल लिया है इंग्लैंड से, मेरे पास रखा है, किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो मुकाबला कर ले फूल सिंह बरैया से। फूल सिंह बरैया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वे विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए फूल सिंह बरैया कहते नजर आ रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जाग जाना चाहिए वरना सवर्ण देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी बरैया अब अपनी सफाई देते हुए फिर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने वीडियो को झूठा और इसे बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया है। खुद उनकी फेक सरकार है, वो ईवीएम में घोटाला करके खुद देश का चुनाव जीतते हैं, खुद सारे काम फ्रॉड करते हैं और जो नकली करके एडिटिंग करके या फेक वीडियो बना करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। नहीं, अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो सत्यवाद को सामने ला करके लड़ें अगर उनमें हिम्मत है। और मैं ये भी कहूंगा कि उनके नेतृत्व में दतिया में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जहां तक कि एक टीआई अभी थाने पर तैनात है और उसका वारंट निकला हुआ है। इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है? ये जनाधार इकट्ठा करते दंगे करके, ये भाईचारा पैदा करके कभी जनाधार इकट्ठा नहीं करते, ये झूठ बोल करके जनता को गुमराह करते हैं। तो इनसे हम लोग, मैं समझता हूँ कि कोई हमें तकलीफ नहीं है, हम लोग मजबूती से जीतेंगे और ये झूठ मूठ और फेक तरह से काम करने वाली पार्टी हारेगी। नकली है, फेक है और कुछ मिला मुलू करके इधर के उधर एडिटिंग भी की, तीनों प्रकार का है वो, वैसे फेक ज्यादा है। अभी मैं वो चाहते तो यही है कि मैं चुनाव लड़ू नहीं, उलझ जाऊं और मैं कोर्ट कचहरी का पुलिस का चक्कर लगाता रहूं। पुलिस उन्होंने खरीद ली है, उन्होंने तो सब खरीद लिए है, देश बचा नहीं है, देश को खुद ही बेच रहे हैं, तो अब बचा क्या है? इसलिए इन लोगों से कोई मामले डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो है फेक वीडियो, पूरा वीडियो फेक है और ये बहुत घिनौना प्रचार करते हैं, कभी सही बात करते ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी उनको चैलेंज है, सत्य बात को लेकर के लड़े और लड़के और हरा के दिखा दे। मैं तो कह भी रहा हूँ तो कांग्रेस 27 में 27 जीत करके सरकार भी बना रही है। अगर आप में दम है तो कांग्रेस की बाई इलेक्शन में, कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में है, विपक्ष बाई इलेक्शन में क्यों जीत रहा है? अगर दम है तो रोक के बता दे, अगर तुम्हें सत्य है तो इसको रोक के बताए, झूठ से कभी कोई रोका नहीं जाता है। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग जातीय तनाव के लिए हमेशा से संवेदनशील रहा है, यहाँ पूर्व में कई हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में फूल सिंह बरैया के इस बयान ने एक बार फिर सनसनी मचा दी है। ऐसे में बरैया की सफाई कितनी काम आती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भांडे।